हेलो बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ के लेवल के जीके क्वेश्चन। अगर सेवन्थ में आके इतने आपको नहीं आता, इट मीन्स आपको हिंदी की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं जीके क्वेश्चन। काम बिगड़ जाने के बाद पछताव करना व्यर्थ है, ये उपयुक्त लोकोक्ति क्या बनाएंगे इसके लिए? तो इसके लिए लोकोक्ति बनेगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह मुंह और मसूर की दाल। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए यह हैसियत से बढ़कर चाहना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो क्या बनेगा इसके लिए? इसके लिए जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकता, इसका अर्थ है। क ख ग घ किस वर्ग के व्यंजन है? तो बच्चों ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। फाइव है, आदर शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो बनेगा आदरणीय। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, कौन सी क्रिया है ये बच्चों? ये सकर्मक क्रिया है, काम हुआ है इसमें। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, में कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम है संबंध, संबंध बता रहा है वो। किस क्रम में निजवाचक स्वनाम नहीं है? तो निजवाचक किन किन का नाम सूची में है, इसमें निजवाचक स्वनाम नहीं है। निबंध लिखना भाषा का रूप कौन सा है? लिखित भाषा का रूप है। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, इसमें विशेषण क्या है? लंबी। किस शब्द में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो शब्द आंसर है तीसरा दिन। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें विशेषण है परिमाण, नापतोल है। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? मोहन 2 लीटर दूध पी गया। इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है? तो 2 साल काल बोधक है। प्री विशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं? विशेषणों की भी विशेषता। डंका बजना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब है प्रतिष्ठित हो जाना। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाते हैं? विशेष्य। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक स्वरनाम है? तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इस वाक्य में है। रहीम के दोहे के रचयिता स्वयं रहीम दास जी हैं। भारत में, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो बच्चों 22 भाषाओं को मान्यता मिली है।